नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में और मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 बेनिफिट्स ऑफ पोटैटो जूस फॉर स्किन। आलू का रस अगर हम अपने चेहरे पे लगाते हैं तो किस तरह से वो बेनिफिशियल होता है, किस तरह से लाभ देता है। आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लीच का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो अगर होम रेमेडीज की बात की जाए तो आलू का जो रस होता है उसको एज अ ब्लीच हम अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू के साथ मिला के। आलू की अगर वैसे बात की जाए तो वैसे भी सब्जियों का राजा माना जाता है, हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाता है ये। थाली में अगर हम खाना परोसते हैं, अगर 3 सब्जियां सर्व की हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आलू ना हो। ऐसे बोला तो ये भी जाता है कि आलू जो होता है वो मोटा करता है, लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं? सही चीज सही मात्रा में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान नहीं देती है। अति हर चीज की बुरी होती है, आपने सुना होगा। ठीक वैसे ही लिमिट पे अगर आप आलू का सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जानकारी के अभाव में हम ऐसा करते हैं कि जो किसी ने बता दिया वही ट्राई कर लिया। आज मैं आपको बताऊंगी चेहरे पे अगर आप आलू का रस लगाते हैं तो आपको किस तरह से फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा, आपकी त्वचा को जवान रखने के लिए आलू बहुत अच्छा होता है। जब भी आपको टाइम मिले आलू का रस निकालिए, कॉटन से लीजिए और पूरे चेहरे पे उसको लगा के भूल जाइए। आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, 2 घंटे, जितना भी टाइम है उसको लगा रहने दीजिए। धीरे धीरे वो आपकी त्वचा को, कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है। दूसरा, स्किन से टैन हटाने के लिए आलू का रस बहुत लाभकारी होता है। आपने 2 चम्मच आलू का रस लेना है, उसमें आधा चम्मच आपने नींबू और आधा चम्मच बेसन मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। इस उपटन को अपने प्रभावित एरिया, यहाँ जहाँ से भी स्किन टैन हो गई है, काली हो गई है, कम से कम 45 मिनट लगा रहने दीजिए। फिर हल्के हाथों से थोड़ा सा गीला कीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर की साइड में उपटन जैसे उतार देना है, इससे डेड स्किन की लेयर निकल जाती है। तीसरा, अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी ये बहुत काम की चीज है। आपने फ्रेश आलू का जूस लेना है 2 चम्मच, उसमें आधा चम्मच आपने विनेगर मिक्स करना है। कॉटन ले लीजिए, थोड़ा सा रूही का फाह ले लीजिए, उससे क्या करना है, जहां भी आपको पिंपल्स है कॉटन ही चिपका लीजिए वहां, और इसको लगा रहने दीजिए 45 मिनट। उसके बाद उतार के, जब पैक उतारना है आपने, नॉर्मल पानी से वॉश करना और अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाएं। तीसरा फायदा, अगर आपकी त्वचा कालापन, स्किन जिसको हम बोलते हैं कि पहले तो बड़े गोरे गोरे थे, बाद में हम काले काले होने लगे, तो उसका मतलब ये होता है कि त्वचा डल हो जाती है। चेहरे के काले दाग धब्बों को हटाने के लिए आलू बहुत अच्छा होता है। 2 चम्मच आलू का रस लीजिए, आधा चम्मच उसमें शहद मिक्स कीजिए और उसमें आपने कच्चा दूध मिक्स करना है। ये बस तीनों ही चीजें आपने मिक्स करके बनानी है और अपने चेहरे पे लगा लेनी है। इसको आप ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं अगर आपको ऐसा चिपचिप जैसा फील नहीं आता है, ये आपका स्लीपिंग मास्क भी हो जाएगा। चौथा फायदा है दोस्तों, त्वचा को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर आपकी त्वचा पे कील मुहासों के काले दाग हैं, निशान पड़ जाते हैं, या चोट के निशान हैं, या जले के निशान हैं, तब भी ये लाभकारी है। इस्तेमाल करने की विधि थोड़ी सी, प्रोसीजर लंबा है। किसी भी तरह के निशान हैं, स्ट्रेच मार्क हैं आपके, स्टिचेस के निशान हैं, सब ठीक होते हैं। आपने क्या करना है, 2 चम्मच आलू का रस ले लेना है, उसमें 1 चम्मच मिक्स करना है आपने एलोवेरा जेल, साथ में आपने मिक्स करना है आधा चम्मच कोकोनट ऑयल। तीनों ही चीजें मिक्स करके प्रभावित एरियाज पे 2 से 5 मिनट आपने मसाज करनी है, 15-20 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से आपने वॉश करना है और उसके बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर क्रीम या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप जरूर लगाएं, आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा आज का वीडियो।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी मजे मजे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही लुटाते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करते रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं आऊंगी आपसे मिलने ऐसी ही मजे मजे की जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय।